बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान में किस तरह का बदलाव किया गया दर्ज और इसके साथ साथ क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की जाएगी, खासतौर से इसकी जानकारी आपको दे दें। सबसे पहले लद्दाख की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। ओडिशा की हालांकि बात की जाए तो गिनी चुनी जगहों पर शीतलहर चलने का अनुमान यहां के लिए जताया गया है। इसके साथ ही अगर असम की हम बात करें तो आपको बता दें छिटपुट हिस्सों में यहां पे घना कोहरा छा सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं केरल की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पे तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सर्द अपडेट में नजर डालते हैं और क्या कुछ खास गतिविधि इस मौसम में दर्ज की जा रही है। अलग अलग हिस्सों की अगर खासतौर से बात की जाए इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर जगह देखिए आप देख पा रहे होंगे जो हरा रंग है, इस बात का सूचक कि इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हां, तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर हम बात करें, केरल की अगर बात की जाए तो यहां पर अलग अलग जगहों पर इस तरह की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है, बारिश के लिहाज से कैसा मौसम बना रहेगा। सबसे पहले अगर नजर डालें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लेह लद्दाख, जहां पर कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि उत्तराखंड की हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहां कहीं भी मैदानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश नहीं होगी। साथ ही उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जरूर बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल जो मुख्य राज्य हैं यहां पर कहीं भी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो शेष राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर के, वहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत की स्थिति आए देख लेते हैं, आप देख सकते हैं केरल की खासतौर से अगर बात की जाए तो यहां पर जरूर कई जगह बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि जो बाकी राज्य हैं आप देख पा रहे होंगे कहीं भी यहां फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इसके साथ ही अगर खासतौर से अगर बात की जाए मध्य भारत की तो यहां आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से सभी जगह जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं भी फिलहाल यहां बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है मौसम में, इसकी जानकारी आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की कोहरे की जो स्थिति है वो यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई इन दोनों ही क्षेत्रों में। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ पे कोई भी इस तरह की खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं हुई। इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम की या फिर असम की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति, यानी हल्का कोहरा और हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा भी दर्ज किया गया था पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा बाकी राज्यों की अगर बात की जाए, शेष राज्यों में आप देख सकते हैं कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई। बारिश की स्थिति जरूर दर्ज हुई है केरल, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, और अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर कहीं कहीं जो बारिश है वो जरूर दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है मौसम की, क्या कुछ खास स्थिति दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम खबर में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेक, जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के, एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए,
सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल क्या रहा है, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे न्यूनतम तापमान के हाल की। अगर खासतौर से नजर डालें इस पर तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जिस का बदलाव आया है न्यूनतम तापमान की स्थिति में उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा ये रहा है। अगर बात की जाए तमिलनाडु पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्रों की, इसके साथ ही जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है उत्तराखंड में भी। यहां आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही नजर डालें अगर अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय पर तो यहां भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का बदलाव न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है इसकी जानकारी आपको हम यहां पर बता रहे हैं। और खासतौर से सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 4.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान के हाल की। अब आइए यहां आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो क्या दर्ज की गई है। गांगी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहां दर्ज किया गया है। जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं वहां भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। तो जो बदलाव अधिकतम तापमान में देखिए दर्ज किया गया है उसकी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए विदर्भ की हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहां दर्ज की गई है। एक गिरावट जो है हम मान सकते हैं अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से कोंकण गोवा तटीय कर्नाटका की, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं तो यहां अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में यहां पे दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले अगर खासतौर से देखा जाए पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर हम बात करें ना सिर्फ नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र हैं इनमें भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो बदलाव आया है उसकी जानकारी आपको हम यहाँ बता रहे हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं खासतौर से सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं कर्नाटक के तटीय कर्नाटक क्षेत्र में मंगलुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ देख पा रहे होंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जा रहा है, किस तरह का बदलाव आ रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इसके लिए भी नजर डालते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। से लेकर उनकी आवक तक पैदावार से लेकर
बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति बनी हुई है, कौन सी श्रेणी में नजर आ रही है वायु गुणवत्ता। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 202 रहा गुणवत्ता सूचकांक और आप देख सकते हैं थोड़ी खराब श्रेणी जो है अभी भी वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए 313 रहा गुणवत्ता सूचकांक और खराब स्थिति यहां पर वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 88 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जाहिर तौर पर एक अच्छी स्थिति फिलहाल यहां देखी गई वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहां एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। इसके साथ साथ हैदराबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 86 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यह रहा। जबकि कोलकाता में आप देख सकते हैं 138 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी यहां भी वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। मुंबई की अगर हम बात करें तो 205 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां की जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। तो वहीं अहमदाबाद की आप देख सकते हैं 167 ये दर्ज किया गया, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन मंगलवार में आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान -8 या -9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा गुलमर्ग में अगले 4 दिनों के लिए। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर हम बात करें तो शनिवार में आप देख सकते हैं सुबह के समय जो कोहरा है वो यहां दर्ज किया जा सकता है, जबकि रविवार सोमवार मंगलवार की अगर बात की जाए तो जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति, यानी यहाँ जो कोहरा है वो छाया रह सकता है। सुबह के समय कई जगह घना भी हो सकता है, वरना हल्का कोहरा जो है वो यहाँ छाया रहेगा। और इस बीच अधिकतम तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 11 से 14 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई झांसी की। अब आइए आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो शनिवार में आप देख पा रहे होंगे जो कोहरे की स्थिति है वो यहां बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि रविवार सोमवार की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। जबकि मंगलवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान इस दौरान 26 से 27 तो न्यूनतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं अगर नागालैंड के कोहिमा की हम बात करें तो देखिए शनिवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि रविवार सोमवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। लेकिन मंगलवार में एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि उसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों दिन कोहरे की जो स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। और सुबह के समय जाहिर तौर पर कई जगह कोहरा घना भी हो सकता है, वरना हल्का कोहरा जो है वो लगातार बना रहेगा। हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे।
वहीं तमिलनाडु के तिरुचुपल्ली की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार रविवार दो दिन कुछ एक जगह फिलहाल जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। सोमवार में हालांकि जो मौसम है वो साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार में एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि बरसने की संभावना कम है इनकी, लेकिन अधिकतम तापमान इस दौरान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन लगभग एक जैसी स्थिति बनते हुए नजर आ रही, यानी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। जबकि ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो करीब 34 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले चार दिनों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, तो यहां आप देख पा रहे होंगे शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन कोहरे की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। हल्का कोहरा जो है जाहिर तौर पर वो छाया रहेगा, हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहने की भी संभावना है। और ऐसे में यहां अधिकतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। राजस्थान के उदयपुर की अगर हम बात करें तो देखिए पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति, क्योंकि शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख पा रहे होंगे कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी, मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले चार दिनों के लिए। तो उदयपुर का मौसम आपने जान लिया, इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण के जो मौसम है उसका प्रभाव कैसा रहता है जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान है वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें, धान के खेत में सिंचाई करते रहें, किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें, गन्ने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही मक्के की बुआई करते रहें, इस समय तिल की बुआई करें, आंध्र प्रदेश में काबुली चने के खेत से खरपतवार निकालें, किसान अरहर की कटाई कर सकते हैं, इसके अलावा उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें, आंध्र प्रदेश में मूंगफली में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, यहाँ के किसान केले के बागों से खरपतवार निकालें, कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें, गन्ने के खेत में सिंचाई करें, किसान धान की कटाई कर सकते हैं, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, इसके अलावा कपास की चुनाई करें, अभी लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें, यहाँ सुपारी के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं, सुपारी के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें, किसान सुपारी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें, इस समय नारियल के खेत से घास फूस निकालें, इसके साथ ही ज्वार की कटाई करते रहें, इस समय भिंडी की रोपाई कर सकते हैं, कर्नाटक में काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किए जा सकते हैं, भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बैंगन की खेती के बारे में, इसके लिए किस तरह की जो तैयारी है वो किसानों को करनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी होगी, जान लेते हैं सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है, बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले, खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले, बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है, इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है, ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है, एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसका रंग गहरा बैंगनी होता है,
इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। इस मौसम में भी जानकारी का होना बेहद ज़रूरी, और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहां मौसम खबर के साथ ही सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।